सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओ मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन, ठीक है। हमने मैट्रिसेस क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, बाकी सब देखा। नाउ वी हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। हमने अभी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सी द एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन, अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमने थ्री टाइप ऑन रोज एंड थ्री टाइप ऑन कॉलम्स देखा। थ्री टाइप्स क्या क्या है, फर्स्ट वन इज इंटरचेंजिंग द रोज और कॉलम्स। सेकेंड वन क्या है, स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकता है एक रो के साथ नहीं तो एक कॉलम के साथ, कंप्लीटली वी कैन मल्टीप्लाई ये स्केलर। थर्ड टाइप क्या देखा, एनी टू रोज को हमने ऐड कर सकता है विथ ये स्केलर मल्टीपल, ठीक है। फर्स्ट वन द क्वेश्चन इज गिवन ए मैट्रिक्स A is equal to 1, 0, -1, 3. It is a 2x2 matrix. What is a matrix? Order क्या है इसका, 2x2. That is a square matrix. We have to change the row into first row into second row. ठीक है, R1 double implies R2 दिया, interchanging the rows. Row 1 के जगह पे row 2 लिखने का, row 2 के जगह पे row 1 लिखने का. See here, this is the first row. This is the first row and this is the second row. First row के जगह पे second row आना चाहिए। Second row के जगह पे elements क्या है, देखो -1, 3. So interchange the elements into the first row. -1, 3. Second row में पहले क्या था, -1 and 3. Now it is interchanged by R1. R1 के जगह पे 1 and 0, so change it into 1 and 0. Now the new matrix is -1, 3, 1 and 0. This is the interchanging of rows. And A is equal to नहीं लिखने का, A is equivalent. This symbol should be used. What is the second question? B is equal to 1, -1, 3, 2, 5, 4. It is a rectangular matrix of order 2x3. 2x3. 2 is the row. कितना rows है? 1 and 2. Columns 1, 2 and 3. 3 columns है. ठीक है, you have to चेंज रो वन, रो वन को चेंज करने का, ध्यान से देखो, रो टू को कुछ नहीं करना है, रो वन चेंजिंग इट इनटू R1 - R2, रो वन को रो टू नंबर से माइनस करो, सब्ट्रैक्ट द नंबर्स, ओके। आर वन में क्या क्या नंबर्स है, 1 - 1, 3, 1 - 2, रो टू में जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसको माइनस करने का, ठीक है, 1 - 2। सी गया, मैंने इधर स्पेसिफिकली दिखाया 1 - 2, -1 उसको किसके साथ माइनस करने का, सेकेंड रो में करस्पॉन्डिंग वही नंबर लेना है उसके नीचे का, 5, -1, -5, क्या देखो, -1, -5। थर्ड वन 3 - 4, व्हाट विल बी द रिजल्ट, -1 मिलेगा इधर, -6 मिलेगा एंड हियर -1। वी हैव टू रिप्लेस R1 - 2 से रिप्लेस करके इधर वैल्यूज लिखने का। नाउ द न्यू मैट्रिक्स क्या मिला, -1, -6, -1। रो 2 चेंज नहीं हुआ, रो 2 वही लिखने का, 2, 5, 4। सी हियर, इधर भी 2, 5, 4, जस्ट वी आर चेंजिंग द रो 1 ओनली, ठीक है, सिर्फ रो 1 को चेंज करना है। थर्ड क्वेश्चन, ए का एक मैट्रिक्स दिया, बी का एक मैट्रिक्स दिया। ए मैट्रिक्स क्या है, 5, 4, 1, 3, 2x2 मैट्रिक्स। बी का 3, 1, 4, 5, दैट इज ऑल्सो ए 2x2 मैट्रिक्स। हियर फर्स्ट ए मैट्रिक्स में कौन सा अप्लाई करने का, C1 इंटरचेंजिंग C2, कॉलम 1 को कॉलम 2 में चेंज करो, कॉलम 2 को कॉलम 1 में चेंज करो, ठीक है। एंड बी में क्या अप्लाई करना है, रो 1 इंटू रो 2, रो 2 इंटू रो 1, दोनों को इंटरचेंज करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, करने के बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा उसमें, ठीक है। फर्स्ट इंटरचेंज करेंगे इधर कॉलम 1, कॉलम 2, ठीक है। कॉलम 1 इधर आएगा 4, 3, 5, 1, इज इट राइट, 4, 3, 5, 1।
सेकेंड में रो वन इंटू रो टू, रो इधर है, थ्री वन को नीचे लिखना है थ्री वन, एंड फोर फाइव को ऊपर लिखने का फोर फाइव. नाउ सी द टू मैट्रिसेस, व्हाट आर द मैट्रिसेस, दोनों सेम है ना, द न्यू मैट्रिसेस आर इक्वल. ओके द न्यू मैट्रिसेस आर इक्वल. नेक्स्ट क्वेश्चन सी द फोर्थ वन, ए इज इक्वल टू वन टू माइनस वन जीरो वन थ्री, वी हैव टू अप्लाई टू सी टू अप्लाई करने का, ठीक है. बी मैट्रिक्स वन जीरो टू टू फोर फाइव, वी हैव टू अप्लाई माइनस थ्री आर वन, क्या कंडीशन अप्लाई करना है, माइनस थ्री आर वन. फाइंड द एडिशन ऑफ द टू न्यू मैट्रिसेस, ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो दोनों मैट्रिक्स को एडिंग करने का, एडिशन ऑफ द न्यू मैट्रिसेस. फर्स्ट अप्लाई करेंगे टू इंटू सी टू, कॉलम टू क्या है, दिस इज द कॉलम टू, कॉलम टू में टू एंड वन, ठीक है, कॉलम टू में टू एंड वन, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, टू मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. टू इंटू टू इट बिकम्स फोर, टू इंटू वन इट बिकम्स टू, रिमाइनिंग कॉलम्स शुड बी रिमाइंड द सेम, सेम होना चाहिए, बाकी सब कॉलम्स को चेंज मत करो, जस्ट चेंज द कॉलम टू. नेक्स्ट मैट्रिक्स में यू हैव टू मल्टीप्लाई माइनस थ्री टू द रो वन, रो वन के साथ मल्टीप्लाई करने का, ठीक है. रो वन क्या है, दिस इज द रो वन, वन जीरो टू, वन के साथ माइनस थ्री मल्टीप्लाई करो, सी हियर माइनस थ्री, एंड हियर ऑल्सो माइनस थ्री के साथ मल्टीप्लाई करो, हियर ऑल्सो माइनस थ्री के साथ, यू विल गेट द आंसर माइनस थ्री जीरो माइनस सिक्स, एंड द सेकेंड रो शुड बी रिमाइंड द सेम, यू शुड नॉट चेंज, टू फोर फाइव. नाउ नया मैट्रिक्स क्या मिला, ए का वन फोर माइनस वन जीरो टू थ्री, एंड बी मैट्रिक्स क्या मिला, माइनस थ्री जीरो माइनस सिक्स टू फोर फाइव. नाउ वी हैव टू ऐड बोथ द मैट्रिसेस, दोनों मैट्रिक्स को एडिंग करो, एडिंग कैसा करने के, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, हियर वन हियर माइनस थ्री, ऐड दीज टू नंबर्स, ये दोनों नंबर्स को एडिंग करना, हियर फोर हियर जीरो हियर माइनस वन हियर माइनस सिक्स, द सेम वे जीरो टू टू फोर थ्री एंड फाइव, एडिंग दीज नंबर्स यू विल गेट माइनस टू फोर माइनस सेवन टू सिक्स एट, ठीक है. दिस इज द न्यू मैट्रिक्स बाय एडिंग बोथ द मैट्रिक्सेस. नेक्स्ट वन फिफ्थ क्वेश्चन एंड सिक्स्थ क्वेश्चन, आई हैव गिवन द बोथ क्वेश्चंस हियर टू कंपेयर बोथ, ठीक है, दोनों को कंपेयर करना है, इसलिए दोनों सम्स मैंने इधर ही दिया. सी द फर्स्ट वन, ए मैट्रिक्स दिया है वन माइनस वन थ्री टू वन जीरो थ्री थ्री वन, थ्री आर थ्री पहले अप्लाई करो, एंड देन सी थ्री प्लस टू सी टू अप्लाई करो, ठीक है. दो कंडीशंस अप्लाई करना है, फर्स्ट वी हैव टू अप्लाई थ्री इंटू आर थ्री, रो थ्री, थर्ड रो के साथ थ्री मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट वन माइनस थ्री थ्री सॉरी वन माइनस वन थ्री टू वन जीरो नाइन नाइन एंड थ्री. दिस इज द मैट्रिक्स अप्लाइड दिस कंडीशन, ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद थर्ड रो कंप्लीटली चेंज हुआ, यू हैव गॉट नाइन नाइन थ्री, ठीक है. नेक्स्ट द सेकेंड कंडीशन अप्लाई करने का, सी थ्री प्लस टू सी टू, कॉलम टू के साथ पहले टू से मल्टीप्लाई करना है, फिर कॉलम थ्री के साथ एडिंग करने का, ठीक है. कॉलम थ्री को कंप्लीटली चेंज किया है, फर्स्ट कॉलम टू, यही कॉलम टू है ना, कॉलम टू के साथ टू मल्टीप्लाई किया, देखो टू इंटू माइनस वन टू इंटू वन टू इंटू नाइन, देन एडिंग विथ सी थ्री, सी थ्री क्या है थ्री जीरो थ्री, उसके साथ ऐड किया, यू विल गेट वन टू एंड ट्वेंटी वन. नाउ द न्यू मैट्रिक्स इज वन माइनस वन वन टू वन टू नाइन नाइन ट्वेंटी वन, दिस इज द न्यू मैट्रिक्स बाय अप्लाइंग थ्री आर थ्री एंड देन सी थ्री प्लस टू सी टू. द सेम मैट्रिक्स इज टेकन इन द सिक्स्थ सम ऑल्सो, सेम मैट्रिक्स निकाला, पर फर्स्ट कंडीशन क्या अप्लाई किया, सी थ्री प्लस टू सी टू, ठीक है, सी थ्री प्लस टू सी टू अप्लाई किया, एंड देन थ्री आर थ्री अप्लाई किया, ठीक है. एंड वॉट इज द आंसर, वी हैव गॉट वन माइनस वन वन टू वन टू नाइन नाइन ट्वेंटी वन, वी हैव गॉट द सेम आंसर फ्रॉम बोथ द क्वेश्चंस. व्हाट डू यू कंक्लूड, अभी ये दोनों क्वेश्चन में से आपको क्या मिला, क्वेश्चन फाइव एंड सिक्स द ट्रांसफॉर्मेशंस आर कॉमुटेटिव. कॉमुटेटिव क्या है, ए इंटू बी लिखेंगे तो भी चलेगा, बी इंटू ए लिखेंगे तो भी चलेगा. सो जो भी एप्लीकेशन अप्लाई हो रहा है ये पहले लेंगे तो भी चलेगा, ये बाद में लेंगे तो भी इक्वल है. सो द न्यू मैट्रिक्स शुड बी कॉमन. ओके,
Seventh question, use suitable transformation on 1, 2, 3, 4 matrix to convert into an upper triangular matrix. ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. कल मैंने डेफिनेशन सब बताया, सब मैट्रिक्स का टाइप, सब मैट्रिसेस में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डायगोनल के नीचे का जो भी नंबर से जीरो होना चाहिए. पर इधर जो मैट्रिक्स दिया उसमें है क्या? नहीं है. विच इज द डायगोनल? 1 और 4 इज द डायगोनल. में डायगोनल के नीचे 3, ये 3 नंबर को हमें कैसे चेंज करना है? जीरो में कन्वर्ट करना है. सो जो भी अप्लाई कर सकता है अप्लीकेशन करो. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के लिए रो को चेंज करो, रो के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, ऐड करो, जो भी करना है. यू हैव टू गॉट द वैल्यू इन द सेकेंड रो में. फर्स्ट लेटर शुड बी, फर्स्ट नंबर शुड बी जीरो. ओके, सो मैंने इधर कंडीशन क्या अप्लाई किया? रो 2 को चेंज करने वाली हूँ. ठीक है, इधर रो 2 में क्या है? 3, फर्स्ट एलिमेंट इज 3. 3 के साथ क्या करेंगे तो हमें 0 मिलेगा. 3 के साथ -3 डालेंगे तो 0 मिलेगा. -3 कैसा मिलेगा? फर्स्ट रो में देखो, फर्स्ट एलिमेंट इज 1. सो फर्स्ट रो के साथ 3 से मल्टीप्लाई करो, देन रो 2 को रो 1 से सब्रैक्ट करो. ठीक है, रो 2 माइनस 3R1. R1 के साथ 3 मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, रो 2 माइनस 3R1 करना है. ठीक है, नाउ 3 माइनस 3 इंटू 1 इट बिकम्स 0. 4 माइनस 3 इंटू 2 इट बिकम्स -2. नाउ यू हैव गॉट द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. दिस इज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. इट इज अप्लाइड इन द 2x2 मैट्रिक्स में. ठीक है, कन्वर्ट 1, -1, 2, 3 इंटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता है? डायगनल में 1, 1 रहेगा, द रिमाइनिंग एलिमेंट्स आर 0. द रिमाइनिंग एलिमेंट्स आर 0. सो वी शुड कन्वर्ट दिस इंटू 1, 0, 0, 1 में चेंज करना है. पहले फर्स्ट एलिमेंट 1 पहले से है, सो 2 को चेंज करेंगे. ठीक है, 2 को, ये रो 2 को कम्प्लीटली चेंज करने के लिए 2 माइनस 2 इंटू 1 ऐसा करेंगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा. सो 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 इंटू -1 इज इधर 5 मिलेगा. ठीक है, नाउ यू हैव टू चेंज द 5 इंटू 1. 5 को कैसे चेंज करने का? 1 में चेंज करना है. सो मल्टीप्लाई बाय 1/5. मल्टीप्लाई बाय 1/5 करेंगे तो ये 0 के साथ 1/5 मल्टीप्लाई करो, इट बिकम्स अगेन 0. एंड 5 के साथ 1/5 मल्टीप्लाई करो, इट बिकम्स 1. ठीक है, 0 एंड 1 मिल गया. लास्ट वी हैव टू चेंज -1. -1 को चेंज करना है. सो -1 को चेंज करने के लिए दोनों रोज को एडिंग करो. जस्ट ऐड द रो 2 एंड रो 1. 0 + 1 इज अगेन रो 1. 1 - 1 becomes 0. नाउ वी हैव गॉट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1, 0, 0, 1. द लास्ट सम ऑफ द फर्स्ट एक्सरसाइज, ट्रांसफॉर्म 1 - 1, 2, 2, 1, 3, 3, 2, 4 इंटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो बाय सूटेबल. द टेक्स्ट बुक में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दिया, दैट इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक. इट इज अ रो ट्रांसफॉर्मेशन, देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर. ओके, रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने का. फर्स्ट व्हाट इज द कंडीशन अप्लाइड? रो 2 माइनस 2R1. रो 2 को चेंज करना है. रो 2 किधर है? इधर. ठीक है, रो 2 माइनस 2 इंटू आर 1. आर 1 यही है ना, 2 - 1 × 2, 2 - 2 = 0. 1 - 2 × -1 क्या हो जाएगा? 1 + 2 दैट इज 3. 3 - 2 × 2, 3 - 4 दैट इज -1. नेक्स्ट कंडीशन, R3 - R1 किया. R3 रो 3, दिस इज द रो 3. रो 3 माइनस 3R1, 1 ए ना रो 1. ठीक है, 3 - 3 × 1 दैट इज 0. 2 - 3 × -1 दैट इज 5. 4 - 3 × 2 दैट इज -2 मिलेगा. नाउ वी हैव टू, अभी देखो ये डायगोनल के नीचे ये जगह 0 हो गया, ये जगह 0 हो गया. सिर्फ वी हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर 5. 5 के साथ हमें चेंज करने का. 5 चेंज करने के लिए क्या किया? देखो, रो 3 माइनस सेकेंड रो में 3 के साथ हमने क्या मल्टीप्लाई किया? 5/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/3 × 3. सी हियर, 5/3 × 3. 3 3 गेट कैंसल, इट बिकम 5.
एंड आगे माइनस है एंड रो थ्री में इधर 5 माइनस 5 इट बिकम्स 0. सो दैट्स वाई वी हैव अप्लाइड रो 3 माइनस 5 बाई 3 इंटू रो 2. ठीक है, अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द 0 वैल्यू हियर माइनस 1/3. दिस इज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. दिस इज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. एक मैट्रिक्स का इनवर्स कैसा फाइंड आउट करने का. ठीक है, सी द डेफिनेशन. इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स लिया हमने विच मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स. पक्का उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही चाहिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बाकी सब नहीं लेने का. स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स उसका ऑर्डर m. क्यों ऑर्डर m दिया? बिकॉज स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम्स आर सेम. ठीक है, रोज एंड कॉलम्स आर सेम. एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स b, और एक मैट्रिक्स भी निकाला b, फर्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम a एंड सेकेंड स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम b, of the same order, that is also the same order. If it is order 3, then B also order 3, such that this condition should be satisfied. A, B, A, matrix A into B करेंगे तो, और B into A करेंगे तो क्या मिलना चाहिए? I, what is I? Identity matrix, where I is the identity matrix of order M, उसका order भी the same, then B is called the element B. इसको क्या बोल सकता है? इनवर्स ऑफ ए, ए का इनवर्स. इन द सेम वे ए इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इनवर्स ऑफ बी. बी का इनवर्स ए बोल सकता है, वैसा ही ए का इनवर्स बी बोल सकता है. ठीक है, द इनवर्स के लिए क्या नाम देते हैं हमने? ए इनवर्स. व्हाट इज द सिंबल गिवन? ए इनवर्स. ठीक है, हेंस यूजिंग द सेम डेफिनेशन वी कैन से दैट ए इज ऑल्सो द इनवर्स ऑफ बी. वैसा हमने ए इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ बी बोल सकता है. सो हियर ए इज कंसिडर्ड एज बी इनवर्स एंड हियर बी इज कंसिडर्ड एज ए इनवर्स. ठीक है, ए इंटू बी दैट इज बी इज द इनवर्स ऑफ ए, बी इंटू ए दैट इज द इनवर्स ऑफ बी. ठीक है, हियर सम नोट्स गिवन. Every square matrix of order has its corresponding determinant. Every square matrix, it should have a determinant रहेगा. ठीक है, square matrix 2x2 या 3x3 जो भी square matrix है उसको determinant रहेगा. Determinant represented by modulus A. Modulus A. A matrix is said to be invertible. एक मैट्रिक्स में इनवर्स एग्जिस्ट रहेगा तो, इनवर्स रहेगा तो वो मैट्रिक्स को क्या बोल सकता है? इनवर्टिबल. थर्ड पॉइंट, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज इनवर्स. एक मैट्रिक्स को, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को इनवर्स है तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होना है? डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0. डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज नॉन सिंगुलर. नॉन सिंगुलर. ठीक है, नॉन सिंगुलर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ही उसको इनवर्स मिलेगा. ठीक है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. यूनिकनेस, वी हैव टू प्रूव द यूनिकनेस ऑफ अ मैट्रिक्स. अभी मैट्रिक्स के लिए इनवर्स है तो हम लोग 4-5 इनवर्स है करके बोल सकता है क्या? नहीं, इट शुड हैव ओनली वन इनवर्स. इट शुड हैव ओनली वन इनवर्स. हाउ टू प्रूव द यूनिकनेस? देयर इज अ थ्योरम. See the theorem. Prove that if A is a square matrix and its inverse exists, एक square matrix A है, उसका inverse भी exist हो रहा है, then it is unique. Unique means सिर्फ एक ही inverse रह सकता है, ज़्यादा नहीं. ठीक है, ऐसे ज़्यादा रहेगा तो भी वो दोनों same करके हमें proof करना है. Let A be a square matrix of order m. हमें कैसा proof कर रहे हैं? देखो, A be a square matrix of order m. And let its inverse exist. उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट हो रहा है. इफ पॉसिबल, सपोज दो इनवर्सेस है करके हमने लिया. वॉट आर द इनवर्सेस? बी एंड सी बी द टू इनवर्सेस ऑफ ए. देयरफॉर बाय डेफिनेशन, सो हमें डेफिनेशन पता है ना, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई. हमने बोला बी इज द इनवर्स ऑफ ए एंड सी इज ऑल्सो द इनवर्स ऑफ ए. सो ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई. दोनों भी बोल सकता है एज पर द कंडीशन. इफ इनवर्स एग्जिस्ट, ये दोनों कंडीशन बोल सकता है.
ठीक है. लेट अस नाउ कंसिडर बी इज इक्वल टू, बी कैन बी रिटन एज बी इंटू आई, लिख सकता है ना. आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम बी ही मिलेगा. ठीक है, बी इज इक्वल टू बी आई. आई कैन बी रिटन एज ए सी, आई के बदले में ए सी लिख सकता है. ठीक है, बी इंटू ए सी एसोसिएटिव लॉ ले सकता है. ठीक है, ये बी ए को ब्रैकेट में ले लो इंटू सी. बी ए कैन बी रिटन एज आई एंड आई इंटू सी इज इक्वल टू सी. सो बी इज इक्वल टू सी, बोथ द इनवर्सेस. सपोज वी हैव टेकन ये मैट्रिक्स इज हैविंग टू इनवर्सेस, दो इनवर्स है करके हमने लिया. अभी कंडीशन क्या मिला, दोनों इनवर्स आर सेम. सो इफ देयर इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ इट इज हैविंग इनवर्स देन इट शुड बी ओनली वन. ठीक है, यूनिक. नेक्स्ट वन, इनवर्स में हमने दो टाइप्स यूज करते हैं. फर्स्ट टाइप इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड एंड द सेकेंड टाइप इज एडजॉइंट मेथड. ठीक है, टू टाइप्स आर यूजिंग. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में भी दो टाइप्स है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. फर्स्ट रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा अप्लाई करेंगे, देखो क्या कंडीशन लेना है. पहले एक मैट्रिक्स दिया रहेगा ए, उसके साथ ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ये कंडीशन लेना चाहिए. यू हैव टू परफॉर्म द रो ऑपरेशंस ऑन ए. ए के साथ जो मैट्रिक्स दिया उसके साथ ओनली रो ऑपरेशन. इफ यू आर यूजिंग रो ऑपरेशन ओनली फॉलो द रो ऑपरेशन, डोंट मिक्स अप विथ कॉलम ऑपरेशन. रो स्टार्ट किया तो रो ही करना चाहिए कंप्लीटली. कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो कंप्लीटली कॉलम ऑपरेशन में सॉल्व करना है. सो इफ यू आर परफॉर्मिंग ऑन ए देन यू शुड परफॉर्म ऑन आई ऑल्सो एट अ टाइम, दोनों साइड पे. इधर भी आई क्या होता है 1 0 0 1, है ना, नहीं तो 1 0 0. 3x3 मैट्रिक्स में भी ले सकता है. इधर सपोज एक मैट्रिक्स दिया 1 2 3 4 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू दिस, है ना. अभी इधर भी रो अप्लाई करेंगे तो इधर भी रो अप्लीकेशन अप्लाई करना है. ये मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, तभी इधर क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी में चेंज हो जाएगा इंटू ए इनवर्स. इधर एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, है ना, इधर एक नया मैट्रिक्स मिलेगा. देन दिस इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड द आंसर इज ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, दिस इज द इनवर्स. व्हेन वी सॉल्व द प्रॉब्लम यू कैन अंडरस्टैंड इजीली. ठीक है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन सेम मेथड, जस्ट यू हैव टू चेंज. रो में कैसा लिया, ए इंटू ए इनवर्स लिया. हियर वी शुड टेक ए इनवर्स इंटू ए लेना चाहिए. ठीक है, यू शुड अप्लाई द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इन ए एंड यू विल गेट द इनवर्स इन दिस साइड, मतलब राइट हैंड साइड में आपको इनवर्स ऑफ ए मिलेगा बाय अप्लाइंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. नेक्स्ट मेथड इज एडजॉइंट मेथड. एडजॉइंट मेथड हमने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ाई किया. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द माइनर, माइनर पता करना चाहिए. देन वी हैव टू फाइंड आउट द कोफैक्टर, द बाई यूजिंग द कोफैक्टर यू विल गेट द एडजॉइंट. ठीक है, माइनर कैसा अप्लाई करेंगे, सपोज इट इज अ 2x2 मैट्रिक्स, दिस इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट, दिस इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट. हियर ए 1 1, हियर ए 1 2, ए 2 1, ए 2 2. ए 1 1 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ए 1 2 मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ए 2 1 मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ए 2 2 मीन्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. ठीक है, डायरेक्टली ले सकता है. इसको हमने एम 1 1 दैट इज द माइनर, एम 1 1 इज इक्वल टू 1, एम 1 2 इज इक्वल टू 2, एम 2 1 इज इक्वल टू 3 एंड एम 2 2 इज इक्वल टू 4. 2x2 मैट्रिक्स में वी कैन टेक द माइनर डायरेक्टली. ठीक है, बट 3x3 मैट्रिक्स में, 3x3 मैट्रिक्स में फर्स्ट सी हियर, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट. यू हैव टू टेक द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज द माइनर ऑफ फर्स्ट वन. ठीक है, एंड सेकेंड, सेकेंड का देखो वो कॉलम छोड़ना है और रो छोड़ने का. रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स वी शुड टेक द डिटर्मिनेंट ऑफ द 4 एलिमेंट्स दैट इज द माइनर. आई विल एक्सप्लेन इन द सम. ओके,
just go through this minor of an element. The next one, cofactor. Cofactors, minor of an elements जो भी मिला है ना उसको हमने कैसा अरेंज करने का, भी फर्स्ट एलिमेंट को अभी देखो, वन 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 वन, एडिंग द वन वन वॉट विल वी गेट, इवन नंबर टू, सो यू हैव टू गिव द साइन प्लस. हियर वन टू, वन टू मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. वन प्लस टू करेंगे तो क्या मिलेगा, थ्री. थ्री इज एन ऑड नंबर, सो यू हैव टू गिव द साइन माइनस. हियर प्लस, हियर माइनस, हियर प्लस, हियर माइनस एंड हियर प्लस. सी हियर, टू प्लस वन थ्री, माइनस दिया. टू प्लस टू फोर, प्लस दिया. टू प्लस थ्री फाइव, माइनस दिया. And here minus, here plus. Remember the symbols. Plus minus plus minus plus minus plus minus plus. जो भी minor का elements मिला उसके सामने ये sign डालना है. You have to change the number and apply in the cofactor. This is the cofactor of the matrix. And adjoint कैसा find out करने का, ये cofactors को अभी first line देखो. A11, A12, A13. This is the first row. The first row should be written in the first column. See here. This is the cofactor. A11, A12, A13. ठीक है, अभी इधर लिखा मैंने A11, A12, A3. The rows should be written in the columns. Transpose. Transpose वही करते हैं ना. Second row देखो, A21, A22, A23. It is written in the second column. Third row, it is written in the third column. That is the adjoint. That is the adjoint. To find out the inverse, first we have to find out minor, then cofactor, then adjoint. Now, how to find out the inverse by adjoint method? ये सब पता करने के बाद, what is the formula? See here, A inverse is equal to 1 by modulus A. What is modulus A? Determinant A into adjoint A. This is the formula for the inverse of a matrix by adjoint method. Remember the formula. You should find out minor, cofactor, adjoint and then inverse. Applying all the values here, you will get the inverse. Okay? Here exercise first sum. See here. Find the cofactors of the elements of the following matrices. अभी एक मैट्रिक्स दिया माइनस वन टू माइनस थ्री फोर. वॉट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? टू क्रॉस टू मैट्रिक्स. ठीक है, ऑर्डर क्या है? टू रोज एंड टू कॉलम्स. नाउ वॉट वी हैव टू फाइंड आउट? को फैक्टर फाइंड आउट करने का. को फैक्टर डायरेक्टली पता नहीं कर सकता, वी हैव टू फाइंड आउट द माइनर. उससे पहले एलिमेंट क्या है, अभी देखो इसका नाम एलिमेंट के लिए स्मॉल ए देते हैं. ठीक है, स्मॉल ए वन वन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में माइनस वन. ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में टू, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में माइनस थ्री, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में फोर. नाउ माइनर शुड बी द सेम. माइनर है ना, टू क्रॉस टू मैट्रिक्स के लिए जो एलिमेंट है, लिसन गे, सॉरी, वी शुड रिमूव द रोज एंड कॉलम्स एंड द रिमेनिंग इज द माइनर. सेम इन द थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स ऑल्सो. ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट ए वन वन लिखा, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू लिख दिया. ठीक है, माइनर कैसा फाइंड आउट करना है, देखो वन टू माइनस थ्री फोर. वॉट इज द ए वन वन? हियर इसका कॉलम छोड़ दो, इसका रो छोड़ दो. ठीक है, वॉट इज द रिमेनिंग एलिमेंट? फोर. दैट इज द माइनर ऑफ ए वन वन. माइनर लिख दिया. ठीक है, सेकेंड एलिमेंट कैसा देखने का, माइनस वन टू, सॉरी प्लस वन, माइनस थ्री फोर. सेकेंड एलिमेंट, व्हाट इज द सेकेंड एलिमेंट? टू. उसका रो एंड कॉलम छोड़ दो, व्हाट इज द रिमेनिंग? माइनस थ्री. माइनस थ्री लिख दिया, दैट इज द माइनर ऑफ एन एलिमेंट वन टू. ठीक है, टू वन कैसा करने का, टू वन, दिस इज द नंबर, माइनस थ्री, उसका रो छोड़ दो एंड कॉलम छोड़ दो, व्हाट इज द रिमेनिंग? टू. टू इज द आंसर. लास्ट वन ए टू टू इक्वल टू फोर दिया है ना, माइनस वन टू फोर, रो एंड कॉलम छोड़ के रिमेनिंग एलिमेंट को लेने का, माइनस वन. माइनस वन इज द आंसर. आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन, लेट अस सी
What is the matrix given? What is the matrix given? Minus 1, 2, minus 3, 4. First write down the elements. ठीक है, जो भी element है उसका place नाम लिखो, फिर उसका element इधर करो. ठीक है, this is the element name. A 11, minus 1. A 12, 2. A 21, minus 3. A 22, 4. ठीक है, अभी ये element किधर है? Minus 1 इधर. उसका रो कट करो, कॉलम कट करो. व्हाट इज द रिमाइनिंग एलिमेंट? दैट इज द माइनर. ठीक है, सेकेंड वन ए 12, दिस इज द एलिमेंट. उसका रो कट करने का, कॉलम कट करने का रिमाइनिंग एलिमेंट इज माइनस 3, दैट इज द माइनर. ठीक है, सी गया. थर्ड वन, व्हाट इज द थर्ड नंबर? माइनस 3. हियर कट द रो, कट द कॉलम, रिमाइनिंग एलिमेंट इज 2, दैट इज द माइनर 2 1. ठीक है, एंड ए 2 2, ए 2 2 एलिमेंट क्या है? 4. उसका रो कट करो, कॉलम कट करो, व्हाट इज द रिमाइनिंग एलिमेंट? माइनस 1, दैट इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट एम 2 2. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द को फैक्टर्स. को फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करना है? जस्ट अप्लाई द साइन बिफोर द माइनर, माइनर के सामने साइन चेंज करने का. हियर 1 1 1 प्लस 1 2, सो इवन नंबर, पॉजिटिव. अभी को फैक्टर का नाम कैपिटल ए में देने का. ठीक है, एम 1 2, 1 प्लस 2 3, ऑड नंबर, देयरफॉर माइनस साइन देना है. 2 प्लस 1 3, दैट इज ऑड नंबर, यू हैव टू गिव नेगेटिव साइन. 2 प्लस 2 4, दैट इज पॉजिटिव. इवन नंबर पॉजिटिव दे दो, एंड आंसर्स ये ही इधर लिखने का. 4 द सेम, माइनस 3 द सेम, 2 एंड माइनस 1, जस्ट चेंज द साइन. प्लस इंटू माइनस, प्लस 4 इज 4, माइनस इंटू माइनस 3 इज प्लस 3, माइनस इंटू 2 इज माइनस 2, प्लस इंटू माइनस, दैट इज माइनस 1. दीज आर द को फैक्टर्स. अभी ये को फैक्टर्स को अरेंज करो. ए 11, ए 12, ए 21, ए 22, दैट इज 4 3, माइनस 2, माइनस 1, दिस इज द को फैक्टर मैट्रिक्स. अभी एलिमेंट्स लिखना है तो 4 3, माइनस 2, माइनस 1 ऐसा ही लिख सकता है. ठीक है,